हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ठाकुर जी टेक्निकल में। सो गाइस, आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं आईफोन 11 वर्सेस आईफोन 11 प्रो। तो ये दोनों फ़ोन आपको सेकेंड हैंड मार्केट में देखने को मिल जाएगा अंडर 30 के, यानी कि 30,000 के रेंज में ये दोनों फ़ोन आपको देखने को सेकेंड हैंड मिल जाएगा। बट यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये आ जाता है कि कौन सा फ़ोन ले या फिर ना ले, आईफोन 11 ले या फिर आईफोन 11 प्रो बेटर होगा। तो आपका सारा डाउट हम क्लियर करेंगे आज के वीडियो में। साथ ही साथ एक और चीज़ बता दें आपको कि अगर आपको पुराना आईफोन यानी कि सेकेंड हैंड आईफोन लेना है तो उससे पहले आप एक वीडियो देख लीजिए जो कि हमारे चैनल पे लाइव है कि कैसा रहता है सेकेंड हैंड आईफोन या फिर कैसा नहीं रहता है, खराब रहता है या ठीक रहता है। तो हमने भी आईफोन खरीदा है सेकेंड हैंड, तो उसका वीडियो वो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको जानना है तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, दोनों का कंपेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं। सो भाई, जैसे कि आपको पता है ये दोनों फ़ोन 2019 में लॉन्च किया गया था, सितंबर में 2019 को लॉन्च किया गया था। दोनों फ़ोन को 3 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों फ़ोन आईफोन 11 और आईफोन यहाँ पे 11 प्रो दोनों को 3 साल लॉन्च हुए हो गए, यानी कि 3 साल पुराना ये दोनों फ़ोन है। बट यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये आ जाती है कि हमें आईफोन 11 लेना चाहिए या फिर आईफोन 11 प्रो लेना चाहिए। तो उसी में हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। सो भाई, सबसे पहले लुक और डिजाइन की बात करते हैं। तो लुक और डिजाइन बैक साइड से शुरुआत करते हैं। तो दोनों फोन में आपको ग्लास का यहां पे बैक साइड देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे दोनों साइड में आपको बैक साइड ग्लास का मिलेगा। और साथ ही साथ ये मैट फिनिश के साथ आता है और ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। आईफोन 11 ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, आईफोन 11 प्रो यहां पे मैट फिनिश के साथ आता है। यहाँ पे देख सकते हो बॉटम साइड में आपको दोनों में कैसा देखने को मिलते हैं, सेम वही चीज़ें मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हो सेम चीज़ें देखने को आपको मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे USB-C टाइप लाइटनिंग केबल जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस, साइड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आईफोन 11 प्रो में यहाँ पे देख सकते हो पावर की यहाँ मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे मिडिल में आपको यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाता है। वहीं बात करते हैं आईफोन 11 की, तो यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे मिल जाता है पावर की, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है सिम ट्रे नीचे के साइड मिल जाता है। उसके बाद बात करें लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे आईफोन 11 में यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिल जाता है, और साथ ही साथ म्यूट बटन मिल जाता है। सेम प्लेसमेंट यहाँ पे भी हुआ है, वॉल्यूम अप एंड डाउन आईफोन प्रो में भी मिल जाता है 11 प्रो में, जैसे कि आप देख सकते हो म्यूट बटन यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद बात करें कि इस साइड की टॉप एंड साइड में कुछ नहीं मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हर चीज यहाँ पे सेम है। परफॉर्मेंस में यहाँ पे मल्टीटास्किंग करो या कुछ भी करो, यहाँ पे नो इशू, कुछ इशू देखने को नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे इजीली आप कर सकते हो मल्टीटास्किंग या जो भी करना है, इशू नहीं देखने को मिलेंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं डिस्प्ले की बात करें तो आईफोन 11 में आपको मिलता है 6.1 इंच का रेटिना डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आईफोन 11 प्रो में बात करें तो यहाँ पे आपको बता दे 5.8 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि आपको बता दे इस आईफोन 11 प्रो में 4 चांद लगाने वाला डिस्प्ले है कंपेयर किया जाए इससे। तो यहाँ पे इसमें लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलता है, तो यहाँ पे इससे बेटर यहाँ पे आईफोन 11 प्रो में मिल जाता है। डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे आपको बता दे आईफोन 11 प्रो बेटर है, तो यहाँ पे डिस्प्ले में 4 चांद लगने वाले हैं यहाँ पे आईफोन 11 प्रो में। ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको आईफोन 11 में मिल जाता है यहाँ पे आपको 326 PPI के साथ मिलता है। वहीं बात करें आईफोन 11 प्रो में तो यहाँ पे मिलता है आपको 458 PPI के साथ मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल का PPI देता है, जो कि आउटडोर में आपको काफ़ी बेहतरीन दिखेगा यहाँ पे आईफोन 11 प्रो में। तो यहाँ पे कंपेयर किया जाए आईफोन 11 से तो बेटर है यहाँ पे ब्राइटनेस भी इसमें बेटर दिया गया है आईफोन 11 प्रो में। सो गाइस, अब बात करते हैं दोनों फ़ोन की कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आईफोन 11 में आपको मिलते हैं 2 कैमरा सेटअप, वहीं आईफोन 11 प्रो में मिलते हैं आपको 3 कैमरा का सेटअप। यहाँ पे दोनों फ़ोन में सेम ही कैमरा देखने को मिलते हैं, दोनों फ़ोन का कैमरा सेम है, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और साथ ही साथ सेकेंडरी कैमरा जो है वो भी 12 मेगापिक्सल का। बट यहाँ पे आईफोन 13 प्रो में यहाँ पे आपको मिल जाता है थर्ड कैमरा जो है ना, वो मिलता है आपको टेलीफोटो कैमरा जो देखने को मिल जाता है, वो एक यहाँ पे बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है आईफोन 11 प्रो में। तो यहाँ पे टेलीफोटो लेंस आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे इसमें आईफोन 11 प्रो में। वहीं बात करें यहाँ पे फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोनों फोन में आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आगे की साइड से कंपेयर करें तो दोनों फोन लगता नहीं है कि कौन सा आईफोन 11 प्रो है और कौन सा यहाँ पे आईफोन 11 है।
आईफोन 11 में आपको कलर्स जो अवेलेबल देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं 7 कलर में मिलते हैं, वहीं आईफोन 11 प्रो में मिलते हैं यहाँ पे 4 कलर में मिलते हैं, जो कि काफी प्यारा कलर देखने को मिल जाता है जो कि मैट फिनिश के साथ आता है। आईफोन 11 प्रो में आपको एक चीज एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है जो कि है यहाँ पे 18 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, चार्जर देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छा है। बात करते हैं दोनों फोन का लुक एंड डिजाइन का, तो दोनों फोन का सेम लुक एंड डिजाइन है बट यहाँ पे मैट फिनिश के साथ आता है आईफोन 11 प्रो और ये आता है ग्लोसी फिनिश के साथ, तो यहाँ पे दोनों फोन काफी बवाल है और काफी दमदार थे। सो गाइस ये जो है क्वालिटी देख सकते हो, ये है आईफोन 11 प्रो, इसका क्वालिटी देख सकते हो यहाँ पे कितना स्मूथनेस और काफी कमाल का व्यू एंगल है इसका, तो काफी बवाल दिखता है इसमें क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं काफी अच्छे डिस्प्ले मिलते हैं, ओएलईडी डिस्प्ले मिलते हैं। ये जो क्वालिटी देख रहे हो ये है आईफोन 11 का, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आईफोन 11 का डिस्प्ले कैसा देखने को मिलता है आपको, एज यू कैन सी हियर कि कैसा डिस्प्ले है यहाँ पे, क्वालिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दोनों फोन को कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बेटर है यहाँ पे क्वालिटी में, जैसे कि आपको देख सकते हो यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्वालिटी वगैरह। उसके बाद बैटरी की बात करें, दोनों फ़ोन में क्या क्या बैटरी एमएस मिलते हैं, तो आपको बता दूं यहाँ पे आपको मिलते हैं आईफोन 11 में मिलते हैं जो कि मिलते हैं यहाँ पे 3110 mAh का, और यहाँ पे मिलता है आईफोन 11 प्रो में मिलता है आपको 3046 यहाँ पे बैटरी एमएस मिलता है। तो दोनों का यहाँ पे बैटरी हेल्थ दिखाता हूँ, दोनों फ़ोन यहाँ पे बहुत पुराने हो गए हैं तो दोनों का यहाँ पे बैटरी हेल्थ आपको दिखा देता हूँ, बैटरी उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बैटरी हेल्थ, और यहाँ पे आप दिखाऊँ यहाँ पे इसका, तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों फ़ोन का बैटरी हेल्थ देख सकते हो। आईफोन 11 का यहाँ पे देख सकते हो 85% है, आईफोन 11 प्रो का यहाँ पे 82% है, एज यू कैन सी हियर 82% दिखा रहा है। तो बैकअप की बात करें तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो 24 आवर्स का जो यहाँ पे चार्ट है वो देख सकते हो। वहीं आपको बताऊँ यहाँ पे आईफोन 11 में तो 3 घंटा का यहाँ पे बैटरी जो है यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम है, बट वहीं ये 9 आवर्स का देता है, तो बैटरी में काफी अच्छा है ये फोन, मतलब नया ब्रांड न्यू लिया था मैंने। बैटरी में बात करें कि कौन सा ज्यादा यहाँ पे चलता है, टिकता है, कौन सा यहाँ पे कम ड्रेन होता है, तो यहाँ पे मैंने ये ब्रांड न्यू आईफोन 11 लिया था, फिर भी 1 साल हो गए बट यहाँ पे इसका बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन होता है, दोनों क्यों होता है, बट वहीं मैंने ये सेकेंड हैंड यानी कि रिफर्बिश्ड आईफोन 11 प्रो लिया है, इसका बैटरी कंपेयर किया जाए इससे तो यहाँ पे इसका बैटरी बेटर है। आईफोन 11 प्रो का बैटरी मुझे काफी अच्छा देखने को मिला, यहाँ पे एक बार चार्ज करते हैं काफी अच्छा चल जाता है। सो गाइस बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि आपके लिए कौन सा बेटर फोन रहेगा, आईफोन 11 या फिर प्रो रहेगा, तो कौन सा बेटर रहेगा, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे सबसे अच्छा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है किसमें, आईफोन 11 प्रो में, तो ये आगे है, इसका डिस्प्ले भी बेटर है और बैटरी ड्रेन इसमें सबसे कम होता है, यानी कि बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा दे देता है आपको, तो ये भी 2 नंबर में पास हो गया। बट यहाँ पे आईफोन 11 का बैटरी बहुत ज्यादा यहाँ पे ड्रेन होता है, साथ ही साथ यहाँ पे डिस्प्ले भी ओएलईडी नहीं है, यहाँ पे लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलता है, तो इसके कंपेयर में ये फोन आपको बेटर देखने को मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी आपको बेटर देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो ये चीजें हैं, 2-3 चीजें ऐसी हैं कि आपको यहाँ पे आईफोन 11 प्रो के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये फोन मिल जाते हैं 30K बजट में तो आप आईफोन 11 प्रो ले लो, काफी बेहतरीन है। सो गाइस यहाँ पे कैमरा सेटअप भी आपको 3 देखने को मिलता है जो कि टेलीफोटो लेंस है, और साथ ही साथ वो यहाँ पे ब्लर भी बहुत अच्छा करता है, कंपेयर किया जाए तो इससे भी बहुत ये पोर्टेबल है, बट यहाँ पे ये थोड़ा वेट इसमें ज्यादा लगता है, आईफोन 11 में वेट ज्यादा है, इसमें पोर्टेबल है, ये काफी हल्का लगता है आईफोन 11 प्रो। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये फोन अच्छा है, आईफोन 11 प्रो अच्छा है, तो आप इसके लिए जा सकते हो अगर अंडर 30K में मिल जाता है आपको तो, बट यहाँ पे ये मिलना चाहिए आपको 25-26 में मिलेगा तो यहाँ पे ले सकते हो यहाँ पे आईफोन 11, बट आप चाहते हो कि थोड़ा बेटर मिल जाए तो ये आईफोन 11 प्रो ले सकते हो। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर दिया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा बेटर है और आपके बजट में कौन सा फोन आ रहा है, पता कर लेना दोनों का प्राइस यहाँ पे सेकेंड हैंड कितना में मिल रहा है, कहीं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिल जाए आपको आईफोन 11 तो उसके लिए जा सकते हो, अगर 10,000-5,000 का डिफरेंस रहा तो यहाँ पे आप ये ले सकते हो, आईफोन 11 ले सकते हो, डेफिनेटली अच्छा है। अगर 1-2 हज़ार का डिफरेंस मिला तो आप आईफोन 11 प्रो ले लेना, काफ़ी बवाल चीज़ है। उसके बाद आई होप गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा, और सी भी कुछ वीडियो देखना है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, फिर मिलेंगे ऐसे ही कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।